बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और इसके सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, देन हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अबाउट लाइट। वहाँ पर जो मेन फोकस होगा वो लाइट होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में, लेंस के बारे में और इमेज फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, देखिए मेरे पास एक बॉल है, उसको मैं वॉल पर फेंकता हूं, टकराती है, टकराकर वापस आती है, तो इसको हम बोलेंगे बॉल रिफ्लेक्ट बैक हुई है, बॉल रिफ्लेक्ट बैक हुई, बॉल रिफ्लेक्शन कर रही है, ठीक है, टकराकर वापस आना, दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन। हम सुबह सुबह तैयार होने के लिए मिरर के सामने खड़े होते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं, तो हमें खुद नजर आते हैं। ये कैसे मुमकिन होता है? ये मुमकिन होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। आपको पता है कि जो आईना होता है उसकी बैक साइड पे सिल्वर कलर की कोटिंग हुई होती है, देर लगी होती है, जब लाइट टकराती है मिरर से तो वो वापिस वो ऑल डायरेक्शन में ना वो ऑल डिफ्रेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन कुछ पार्ट उस लाइट का हमारी आईज में भी आता है, जिस वजह से हमें अपना रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट होना, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन को डिफाइन हम यू करेंगे व्हेन, क्योंकि इसमें हम लाइट को डिस्कस करेंगे, इसलिए हम लाइट का यूज करेंगे, व्हेन लाइट ट्रेवल इन द मीडियम इट फॉल ऑन द अदर मीडियम एंड रिटर्न बैक, और ये रिटर्न बैक होती है इनटू सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक हो गया। अगर हम इसका थोड़ा सा फिनोमेना देखें, ये किस तरह से हैपन होता है, तो हमारे पास कुछ यूं है। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास है एक सरफेस है, यहां से एक लाइट रे आती है, ये टकराती है, टकरा कर ये उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे आप स्नूकर खेल रहे होते हैं ना, आप शॉट खेलते हैं आप स्टिक से की बॉल को हिट करते हैं, अगर इस तरह से बॉल होती है आपकी कि एक बॉल ये पड़ी है, एक बॉल ये पड़ी है और एक की बॉल ये पड़ी है, अब आपने इस बॉल को हिट करना है, वन बॉल से आपने थर्ड बॉल को हिट करना है, कैसे करेंगे? डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, ये इसके ना बॉर्डर होते हैं, तो आप यहां से इसको हिट करेंगे, फिर ये इधर जाकर होगी, ऐसे है ना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट करना, आप रिफ्लेक्ट करके दूसरे को हिट करके, तो ये बिल्कुल वही वाला फिनोमेना है हमारे पास रिफ्लेक्शन का। इसमें हमारे पास एक नॉर्मल लाइन होती है, ये वो वाली लाइन होती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन, क्या बोलते इसको, नॉर्मल, जो कि सरफेस के ऊपर 90 डिग्री पर होती है, और ये नॉर्मल इसलिए ड्रॉ करते हैं कि हम एंगल मेजर कर सकते हैं। दो तरह के हमारे पास एंगल बनते हैं, एक हमारे पास एंगल होते हैं दिस वन, इसको हम कहते हैं आई, आई स्टैंड फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको हम आई से लिखते हैं। दूसरा हमारे पास एंगल होता है दिस वन, आर, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं। तो याद रखना है आपने कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि जो हमारे पास होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट वो इज इक्वल टू होगा हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के,
ठीक है, जितना वही बात है स्नूकर में जितना आप एंगल बॉर्डर के ऊपर मारेंगे उतनी ही आपको नेक्स्ट रिफ्लेक्शन मिलती है। ठीक हो गया, ये कुछ इस तरह से होता है इधर, और ये अब नॉर्मल लाइन कौन सी होती है। नॉर्मल लाइन ऐसी लाइन होती है विच ड्रॉप परपेंडिकुलर ऑन द सर्फेस, विच इज परपेंडिकुलर ऑन द सर्फेस, विच इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, जो कि सर्फेस पर परपेंडिकुलर होती है उसको हम बोल देते हैं नॉर्मल, और इसी नॉर्मल के साथ हम अपना एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी करते हैं। याद रखना जो इंसिडेंट एंगल होता है वो भी, जो रिफ्रैक्शन एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल होता है वो भी हम मेजर करते हैं नॉर्मल के साथ। ठीक हो गया, अब इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है, ये इंसिडेंट एंगल वो एंगल होता है, चलो इसको ना रेज करके हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये कौन इसको हम आई से लिखते हैं, कौन सा एंगल होता है, द एंगल विच मेक बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, इसको हम आई से प्रिंट करते हैं। ठीक हो गया, दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल विच मेक बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आर। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसके टू लॉज होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में जाता है। एक लॉ हमारे पास होगा इंसिडेंट रे नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे रिमेन इन सेम प्लेन, ये सेम प्लेन में रहती है। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक हो गया, ये टू लॉज आपने अच्छे से याद रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रिफ्लेक्शन की टाइप्स होती हैं, मैं इसको रेज करता हूं, रिफ्लेक्शन की टाइप्स होती हैं, रिफ्लेक्शन की टू टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कितनी टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स होती हैं। एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरी होती है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होती है अगर रिफ्लेक्शन किसी स्मूथ सरफेस से हो, इफ रिफ्लेक्शन अक्कर बाई
स्मूथ सरफेस, तो वो हमारे पास होगी रेगुलर रिफ्लेक्शन. और इफ रिफ्लेक्शन अकर बाय रफ सरफेस, उसको हम बोल देंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है, जो रिफ्लेक्शन होती है वो डिपेंड करती है सरफेस कौन सी है, सरफेस के नेचर पर डिपेंड करती है. ठीक है, रिफ्लेक्शन हम कहते हैं डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस. ठीक है, रिफ्लेक्शन किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करती है. इसके अलावा देखिए, हम बुक पढ़ रहे होते हैं तो हमें ब्लैक नजर आ रहे होते हैं या कलर कोई भी जो वर्ड नजर आते हैं, नजर कैसे आते हैं, क्योंकि जो लाइट होती है वो जब पेज से टकराती है तो ऑल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है, ऑल डायरेक्शन में. और अब हम जब देख रहे होते हैं तो कुछ लाइट का पार्ट जो रिफ्लेक्ट होता है हमारी आईज में भी आते हैं, तो जिसकी वजह से हमें जो राइटिंग है वो नजर आती है. ठीक है, तो ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डेफिनेशन, इसके लॉज और इसकी हमने टैक्स पढ़ी. थैंक यू.